इजराइल पेगासस जासूसी स्पाईवेयर से कई विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी कराने के मामले में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। अब तक राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं और 40 पत्रकारों के नाम सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव तक ये आंच कैसे पहुंची वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले पेगासस से नेताओं के मोबाइल की जासूसी कराने से किसी पार्टी को क्या फायदे हो सकते हैं वो समझ लीजिए। पेगासस एक ऐसी जासूसी तकनीक है जो बिना आपके परमिशन के आपके मोबाइल में आ जाती है और आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कोई तीसरा आदमी सुन या पढ़ सकता है। एंड्रॉयड और एप्पल कोई भी फोन इससे बच नहीं सकता। बीजेपी पर जासूसी कराने के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में चुनाव लड़ना कितना आसान हो जाता है सोचिए। दूसरी पार्टी को घर बैठे पता चल जाता होगा कि आप किसको टिकट देने वाले हैं, आप किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं, आप कल के भाषण में क्या कहने वाले हैं, किस सीट से टिकट देने वाले हैं, राहुल गांधी और किसी नेता के बीच क्या बात हुई। पत्रकारों, जजों और विपक्ष के नेताओं के फोन की जासूसी करने के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी की पर्सनल बातों को सुनना अधिकारों का उल्लंघन है। पेगासस सॉफ्टवेयर से कई पत्रकारों और कई फेमस हस्तियों के फोन टैपिंग की बात बहुत तेजी से उठ रही है। जो भी हो रहा है, अगर ये भाजपा सरकार करवा रही है तो ये बहुत ही गलत बात है, और अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि इस बात की जानकारी उसको नहीं है तो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार की ये नाकामी है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा कि ये साफ है कि पेगासस व्यापारिक कंपनी है जो पैसा लेकर ठेके पर काम करती है, तो सवाल ये है कि इस कंपनी को भारत में जासूसी करने का पैसा किसने दिया। अगर सरकार ने नहीं दिया तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि पेगासस को पेमेंट किसने किया। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इजराइल सॉफ्टवेयर को केवल देश की सरकारें ही खरीद सकती हैं, बाकी किसी को बेचा नहीं जा सकता। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी के फोन की जासूसी कराकर बीजेपी कौन सा आतंकवाद रोक रही है, अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन सा आतंकवाद रोका जा रहा था। दोस्तों, किसी की पर्सनल बातें सुनकर, किसी की रणनीति जानकर कोई भी चुनावी फायदा बहुत आसानी से ले सकता है। कई लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं बीजेपी ऐसे ही जासूसी की मदद से इतने दिनों से भारत के भीतर चाणक्य बनी तो नहीं फिर रही है। फोन जासूसी के मामले पर मायावती ने कहा कि जासूसी का गंदा खेल व ब्लैकमेल आदि कोई नई बात नहीं है, किंतु महंगे उपकरणों से निजता भंग करके मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, अफसरों व पत्रकारों आदि की सूक्ष्म जासूसी करना अति गंभीर व खतरनाक मामला, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से देश में खलबली व सनसनी फैली हुई है। इसके संबंध में केंद्र बार बार अनेकों प्रकार की सफाई, खंडन व तर्क लोगों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार व देश की भलाई इसी में है कि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर इसकी पूरी स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच यथाशीघ्र कराई जाए, ताकि आगे की जिम्मेदारी तय की जा सके। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने मौज लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाजपा को पेगासस पुरस्कार दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि भारत में फोन की जासूसी हो रही थी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को खबर तक नहीं थी। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा, हमारे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की भी जासूसी की गई है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और कई मीडिया समूहों की भी जासूसी कराई गई। क्या किसी सरकार ने इस तरह का कुकृत्य किया होगा? भाजपा अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। दोस्तों, आप भारत एक सोच पर किस तरह की खबरें चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और इस खबर पर भी अपनी राय दीजिए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।